मैं थोड़े से लेट में आया हूँ, लेकिन आई वॉन्टेड टू डू अ फेसबुक लाइव आप सबसे, और आई होप यू कैन हियर मी, क्योंकि लेट मी सी इफ द कमेंट्स आर कमिंग. कैन यू, कैन एवरीवन हियर मी? तो मैं यहाँ में फेसबुक लाइव में आया हूँ, आप सबसे बात करना चाहता था. एंड आप लोगों ने चिबाई चिबाई चिबाई, हाय हम्बाई द बर्मा, हाय संजू वेल रियांग, विश्वजीत घोष, प्रिंती चक्रवर्ती, जैक्सन अपॉन, हाउ आर यू, जॉश हालाम, नदम्मो, सैन खान, नमस्कार, धनेश्वर, जुनू. तो आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ. मेरे संग यहाँ में हमारे लोग भी हैं, हम थोड़ा सा बात करना चाहते थे कि कैसे हम अपने पिपरासा को, मतलब जो सवाल है आपके दिल में, क्योंकि इलेक्शन के बाद मैंने, हाय डैनियल, हाउ आर यू, डेविड लांगथांगसा, आप लोगों के दिल में सवाल होगा कि यू मस्ट बी हैविंग क्वेश्चंस, कि और वो सवाल का जवाब देने के लिए आपने पहले से मुझे मैसेज भी भेजा है, डीएम में या फेसबुक में डाला है. तो मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता था. सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू. आप लोगों ने बहुत प्रेयर किया है मेरे लिए, हेल्थ के लिए मेरे प्रार्थना किया है. जैसे आप जानते हैं कि मेरा वेट लॉस हुआ है, तबीयत का वहाँ थोड़ा इफेक्ट है, लेकिन अंदर में अभी भी अपने तोहफा के लिए काम करने का पूरा जज्बा है और अपने लोगों को कुछ देने का जज्बा है. तो ये बात बोलकर मैं आप सबसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था. क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, यहाँ मैं सब मैंने टाइप करके रखा है, सब क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं. तो मैं शुरू करता हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन है सुमन आचार्य जी से, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मीटिंग विथ होम मिनिस्टर अमित शाह एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मीटिंग? ठीक, सुमन आचार्य जी, कल हम अमित शाह से मिले, हमने नहीं बोला कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, हमारा डिमांड है, उस डिमांड में डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए और उस डिस्कशन में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए. ये हमारा पॉइंट है, आपका जो भी पॉइंट है, आपका है, आपके चीफ मिनिस्टर का है, आपके पार्टी का है, ठीक है, वो उनका पॉइंट है, मेरा भी ये पॉइंट है. आप हमसे बात कीजिए, हमारे समाजपति से बात कीजिए और उसके बाद जो भी बात होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल में होना चाहिए और आप हमें निमंत्रण दीजिए, हम बात करेंगे. ये हमारा बात हुआ. हमारा बात कोई पोस्ट के लिए नहीं हुआ. मैंने सुना है कि कहा गया है कि मंत्रिमंडल ये सब, देखिए 13 लाख पिपरासा ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम वो भरोसा को मंत्री बन के नहीं दे सकते. इफ रिक्वायर्ड वी विल सिट इन द ऑपोजिशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, अपना जो डिमांड है, जो अपना अधिकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे करेंगे और वो डिमांड को सामने रखेंगे. अमित शाह ने कहा कि वो एक इंटरलोक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं, जब तक वो इंटरलोक्यूटर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं होगा तब तक हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है, अब उनको ये कमिटमेंट निभाना पड़ेगा. हम शांति से पेशेंटली वेट एंड वॉच करेंगे और जब इंटरलोक्यूटर अपॉइंट होता है तो हम बात करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा डिमांड अपने लोगों के लिए है, कोई मंत्री को, कोई एमएलए को मंत्री बनाने के लिए. तो हम, ये मेरा क्लियर आंसर है आपको सुमन, आई होप ये बात आपने क्लियर रखा है. दूसरा क्वेश्चन है रतिम देव वर्मा से, डिड वी गेट एनी थिंग इन राइटिंग एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अस टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन?
वी हैव बीन गिवेन अ वर्बल अश्योरेंस, जब इंटरक्यूलेटर ऑफिशियली अपॉइंट होगा देन वील बी गिवन एनीथिंग इन राइटिंग, एंड टिल द टाइम राइटिंग में नहीं दिया जाएगा हम बात, हमारा ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, लेकिन हमें होम मिनिस्टर ने वर्बल अश्योरेंस दिया है, उसका मान मर्यादा रखना चाहिए, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और जब इंटरक्यूलेटर ऑफिशियली अपॉइंट होगा तब इसका मतलब है कि राइटिंग में वो हमारा बात सुनने के लिए तैयार है, तब बात होगा। लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं आएगा, हम जहाँ में हैं वहीं में, इलेक्शन के पहले भी थे आज भी वहीं में हैं। ये मेरा क्लियर आंसर है रतिम, हम इंटरक्यूलेटर के लिए वेट कर रहे हैं, जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से ऑफिशियल बात चलेगा, जब तक नहीं होगा हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अमरजीत और पार्था दे वर्मा से, आर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन द सेम थिंग, इफ नॉट इज इट 244A और डायरेक्ट फंड? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन आर्टिकल 244A, ऑल आर इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। व्हेन वी टॉक, जब हम लोग बात करते हैं, हम 10 पॉइंट आगे रखेंगे, वो लोग 10 पॉइंट आगे रखेंगे, बाद में कहाँ में अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन होता है, क्यों होता है, किसके लिए होता है, वो होगा जब बात शुरू होगा। लेकिन जब मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने पॉइंट से जाऊंगा, अपना पॉइंट को हम हल्का